नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जांजगीर जिला के अंतर्गत नगर पंचायत नवागढ़ में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह योजना बहुत ही कारगर साबित हो रहा, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण कई सारी ऐसी कन्याएं हैं जो अविवाहित रह जाती हैं और उनको जीवन यापन करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आरंभ किया तथा इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विवाह में शामिल प्रत्येक कन्याओं को शासन द्वारा 25,000 का सहयोग एवं अन्य जरूरत का सामानों का भी सहयोग किया गया। विवाह में शामिल होने के लिए वरवधु को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए काफी तादाद में लोगों का भीड़ लगा हुआ था तथा विवाह में मुख्य रूप से शामिल हुए थे जांजगीर लोकसभा सांसद प्रतिनिधि मंजुलता टंडन एवं जिला सदस्य एवं सभापति राजकुमार साहू तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन कर रहे थे महिला बाल विकास अधिकारी एवं नगर पंचायत ने विवाह संपन्न कराने के लिए काफी सहयोग किया तथा इस योजना का लाभ 25 कन्याओं ने उठाया तथा सभी ने दाम्पत्य जीवन बिताने का संकल्प लेते हुए लोगों से आशीर्वाद लिया तथा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को सफल बनाने के लिए विभागीय अधिकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया तथा विवाह को सफल बनाया। योगेंद्र कुमार कश्यप की रिपोर्ट। ये छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग जांजगीर चांपा जिला के द्वारा परियोजना नवागढ़ में आयोजित किया गया है। इसमें हमने 25 जोड़ों को शादी करवा रहे हैं। सादर प्रणाम। आज नवागढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है 25 जोड़े का। यह योजना जो है हमारे मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी के द्वारा सबसे प्रथम में यह योजना लागू की थी। सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज तक यह योजना जारी है और आगे भी जारी रहेगा और आज नवागढ़ में परियोजना अधिकारियों के द्वारा यह शादी 25 जोड़े संपन्न हुआ है। उन वर वधु को मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशीर्वाद। हम अभियान जामड़े हैं और मैं यहाँ ग्राम नदी से आया हूँ, तो यहाँ पर सरकारी द्वारा से बहुत ही अच्छा से मतलब किया है, मतलब किया है जो भी दिया है जी बताएंगे इसके रूप में दिए हैं, बताएंगे कि उपहार के रूप में हमें यहाँ पर सामान दिए गए हैं जी और पैसे चेक दिए हैं 2000 ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।